ये कंसिस्टेंसी लाने में ही समय लगता है। अपन थोड़ा सा लेमन डाल देंगे, जायफल, जावंत्री, काली मिर्च, लौंग, इसका हम बोन मेरो भी निकालेंगे थोड़ी देर में। दिस इज द प्रिपरेशन, आपके सामने है। और हमारे में कहा जाता है कोई चीज़ देसी स्टाइल से बन रही है ना, उसको देसी स्टाइल से खाना। तो ये एक और चीज़ है, ये है मक्के की राब, वरना आपको जो नशा आएगा ना, जो नींद आएगी, वो बहुत ही तगड़ी होगी। बिल्कुल, ये देखो देसी चीज़ जब देसी तरीके से बनवाओ ना, तो उसको खाओ भी देसी तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, ये मटन डल गया दोस्तों, थोड़ा सा अलग बनाते हैं देसी। ये देखो, वन मोर बाइट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं उदयपुर में हूँ। और आज हम फिर से एक नए जायके की तलाश में एक नई जगह पर आ गए हैं, जो कि आप देख सकते हो, कुंवर कलेवा। आज हम आपको राजस्थान उदयपुर के बहुत ही शानदार और ऑथेंटिक ट्रेडिशनल स्टाइल से बनने वाले जायके दिखाएंगे। तो वो जायके क्या हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं। आइए। हेलो सर, कैसे हैं आप सर? बढ़िया एकदम, बस। स्पेस काफ़ी अच्छा है आपके पास। तो आपकी कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बहुत पसंद की जा रही लोगों की? हांडी मटन हमारे यहाँ का अच्छा है। हांडी मटन बिल्कुल अच्छा। देसी तरीके से हम लोग बनाते हैं उसको, चूल्हे के ऊपर मिट्टी की हांडी में बनाते हैं। अच्छा। सारे देसी मसाले ही उसमें लेते हैं, दूसरे कुछ भी नहीं। तो बड़ी हांडी में आप बनाते हैं? बड़ी हांडी में। हाँ जी, सेटअप भी काफ़ी अच्छा है आपका। तो इस हांडी में हम बनाएंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम पर्वत सिंह राणावत है। तो सर कितने टाइम से है ये जगह आपकी? सर 18 साल से है, मैं इस रेस्टोरेंट मेरा कुंवर कलेवा के नाम से चल रहा है उदयपुर के अंदर। तो इस हांडी में बनता है पूरा मटन? बिल्कुल। और सबसे ज्यादा लोग मटन में यही पसंद कर रहे हैं? यही पसंद। तो सर ये जो आपकी जगह है, एग्जैक्टली कहाँ पर है? ये सर सोभागपुरा सर्कल पे है। अच्छा। अपोजिट रॉयल राज उल्लास, सोभागपुरा सर्कल, उदयपुर। क्या टाइमिंग है? सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो हांडी मटन के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स आज अपन यूज कर रहे हैं? सर हांडी मटन के लिए आप ये खड़े मसाले हैं, ये अपने दालचीनी, बड़ी इलायची, ये जायफल, जावंत्री, काली मिर्च, लौंग, आखी मिर्च, तेज पत्ते, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़ा लहसुन, मसाले सारे, ये अच्छा प्याज काटा हुआ। तो किस क्वांटिटी में बना रहे हैं आज अपन? सर ये अभी अपने बनेगा 3 किलो। 3 किलो बनेगा अभी। तो ये मटन आप खुद लेकर आते हैं? हाँ, मटन खुद लेके आता हूँ, सामने कटवा के, बकरा सामने कटवा के और फिर खुद छांट के लेके आता हूँ मैं। तो आप ये टमाटर प्यूरी भी यूज़ करते हो आप इसमें? वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है जब पे हांडी मटन बनता है वहाँ टमाटो प्यूरी यूज़ होती नहीं। नहीं, हम लोग टमाटर प्यूरी हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं। अच्छा, देसी लोग। तो ये मटकी भी, मतलब हांडी भी बहुत बड़ी है, इस बड़े लेवल पे हांडी में मीट बनना, तो कितना समय लग जाता है इसमें? इसको बनने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। चलिए तो शुरू करें सर। बिल्कुल। अब दोस्तों चूल्हे को हमने ऊपर से नीचे करवा दिया है, क्योंकि जब हम शूट करेंगे तो हम मटन दिखा नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये प्रिपरेशन आज नीचे होगी। अमूमन वैसे यहाँ होती है इस स्लैब पर। ये सरसों का तेल? सरसों का तेल, हाँ, इंजन ऑयल। तेल तो दोस्तों ये आज हम बना रहे हैं उदयपुर में आज हांडी मीट, हांडी मटन। इतनी बड़ी मटकी में आपने पहली बार देखेंगे आप इतना लेवल पे बनता हुआ, मतलब आंखों में जा रहा है ये, मतलब बिल्कुल कच्ची घनी वाला है तेल। कच्ची घनी का तेल है। अब इसके अंदर पहले अपन थोड़ा सा लेमन डाल देंगे, ये तेल फट जाएगा और इसकी हीक नहीं आएगी अपने को। कुछ लोग जो है इसमें नमक डालते हैं। हाँ, आप इसमें नींबू डालते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये तेज पत्ते, लाल मिर्च, खड़ी मिर्च। हाँ। ये दालचीनी, ये बड़ी इलायची, लौंग, हमेशा यही रहेगा। तेल भी धीरे धीरे गर्म हो रहा, आप देख रहे कितनी देर लगी तेल गर्म होने में। ये लहसुन डाल देंगे अब, बारीक कूटा हुआ लहसुन। ये देखो यार, ये है हांडी मटन। तो अब इसके तुरंत बाद ये प्याज जाएगा, है चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल रहा है। हांडी में देखो कैसे बुलबुले बन रहे हैं। तो ये अब डल गई मिर्ची। तो अभी ये सारा मसाला डाल दिया इसको। हाँ। पकने में सर कितना समय लग जाएगा मसाले को पकने में? मतलब आधा घंटा लगेगा, ये प्याज वगैरह सब पकेंगे। मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग है देखा जाए तो। इस पूरी डिश को बनने में आपने कितना समय बताया था? 3.5 से 4 घंटे। Few moments later. तो सर ये हो गया मसाला। प्याज अच्छे से भून गए ये। अरे वाह। बिल्कुल
लाल हो गए ये, तो इसमें मसाले डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब थोड़ा सा पक जाएगा उसमें लेंगे तो मिट्टी की हांडी है जो टूटने का भी डर रहेगा, हांडी टूट गई बीच में तो सब हाँ सारा मटन फैल जाएगा। ये रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, मथानिया की। तो सर अभी तो काफी टाइम से जैसे मथानिया आ नहीं रही है ना? हाँ तो ये दुकान पे तो मिल जाती है ना सर। अच्छा, जो हमारे धान मंडी में मिलती है वहाँ से ले आते पिसवा के। ये धनिया, धनिया पाउडर, ये धनिया गरम मसाला, ये गरम मसाला कुटा हुआ, कुटा हुआ पूरा, नमक नमक स्वाद अनुसार ते रहेंगे, बीच बीच में इसको हिलाना है। तो दोस्तों सारे मसाले डल गए हैं, अभी ये हल्दी आई है, ये हल्दी पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो ये पानी डल रहा है, आप सारे मसाले डालने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो मसाला चिपकेगा नहीं, नहीं। और धीमे धीमे आंच पे ये मसाला पकता रहेगा रहे। अब इसको आधा घंटा और लगेगा। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं ये। Few moments later. पक गया है जी। और ये देखिए तेल इसमें छूट गया है, तेल अलग हो गया। एक बार उठाइएगा बाहर की तरफ थोड़ा, ये देखो यार मसाला बिल्कुल पक गया अच्छे से। टमाटर प्यूरी डालेंगे जी, देसी टमाटर है सारे। अच्छा, हांडी मटन में टमाटो कम यूज होता है लेकिन यहाँ पे इन्होंने टमाटो भी डाला है, देखते हैं क्या स्वाद में चेंजेस आएंगे। अपन ने जो टमाटर प्यूरी डाली थी उसके बाद में अब मसाला अच्छी तरह से खोलने लग गया है जी, खोलने लग गया है। अब अपन इसमें मटन डालेंगे। डालिए सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये देखो भाई ये मटन डल गया दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये है उदयपुर की फील, ये बन रहा है हांडी मटन, बड़े लेवल पे हांडी मटन है, चंपारण जैसा नहीं, राजस्थानी है, राजस्थानी जैसा। तो सर मटन वगैरह के शौकीन तो आप हो हैं? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। मैं तो हफ्ते में हाँ खाली मंगलवार को छोड़ के बाकी सब दिन मटन। अरे मक्की की रोटी और जो हमारे बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी और बाटी बनती है उसमें चूर के खाते हैं सोगरा के साथ। तो सर सारे मसाले मटन वगैरह सब डल गया हांडी में, तो अभी कितना समय लग जाएगा इसको? अब इसमें 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे। 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो बिल्कुल रॉ प्रिपरेशन है जैसी राजस्थान में होनी चाहिए, और आज हम मटकी और हांडी मीट हांडी मटन आपको खा करके बताएंगे कैसा है। Few moments later. तो बना मटन हो गया रेडी? बिल्कुल रेडी हो गया अपना मटन, मतलब हो गए 2.5-3 घंटे आराम से, बहुत ही टाइम टेकिंग है लेकिन यार ये देख सकते हो आप इसकी रंगत बहुत ही शानदार। तो ये देख सकते हो आप पूरी जो प्रिपरेशन है पूरी हांडी पे हुई है इस तरीके से, और आप देख सकते हो फील ये इनका किचन है। और मेन क्या होता है जब हम किचन में जाते हैं ना तो साफ सफाई का थोड़ा सा रहता है इशू, लेकिन यहाँ मैंने देखा हर चीज नीट एंड क्लीन थी जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो यार मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इनकी हांडी और ये है इसकी फील, ये देख रहे हो, ये कंसिस्टेंसी देखो आप, ये कंसिस्टेंसी लाने में ही समय लगता है। और ये मटन के पीसेस बहुत टेंडर हो गए हैं, अभी हम खा के देखेंगे, बाकी तो बहुत अच्छा उबाल आ रहा है। पूरे सरसों की तेल की मेकिंग है और सरसों का तेल इनका कच्ची घनी का, जब जैसे ही डले था बना कितना, मतलब आँखें जल रही थी। और अभी बस थाली आ जाती है तो हम इसको लगवाते हैं। तो दोस्तों ये देखो ये अब निकल रहा है, ये बिल्कुल ये देख सकते हो अब नली का पीस है एक बहुत ही शानदार। और ये इसमें ये देख रहे हो रंगत, ये जो डार्कनेस आई है ना, ये डार्कनेस जब हम हांडी में बनाते हैं तब आती है, क्या बात है। ये देखो ये चाप का पीस, ये नली का पीस और ये रोगन ऊपर से, बहुत ही बढ़िया। और अभी भी मतलब इसका जो धुआं आ रहा है ना, जो सरसों का तीखापन है। और ये भी देखो इसमें लास्ट गार्निशिंग हो रही है, और ये इसमें डल रहा है धनिया। तो ये है आज का हमारा प्रिपरेशन, और इसको हम लोग लेंगे मक्के की रोटी के साथ बना। मक्के की रोटी आप देखो बकायदा चूल्हे पे जब बनती है ना तो इस तरीके का इसका मतलब टेक्सचर आता है, तो बढ़िया है। मतलब आज ये प्रिपरेशन खाएंगे ना अपन, मज़ा आ जाएगा। तो ये वैसे तो प्लेट लेकर आए हैं लेकिन मुझे प्लेट की आवश्यकता नहीं है, मैं टमाटर नहीं लेता हूँ, ये कुछ चीज़ें मैं ले लेता हूँ। सो दिस इज़ माय यू नो, अब ये मेरा थाल है आज का, और इसको आप खाएंगे और आपको यहाँ का टेस्ट बताएंगे, मज़ा आ जाएगा बना यार। मतलब मज़ा एक प्रिपरेशन में तो आ गया, अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं। आज हमने हांडी मटन को जो है
शूट किया है यहाँ पे, ये देख सकते हो। आपको मैं सबसे पहले रंगत दिखाता हूँ जो इनकी हांडी मटन की रंगत है, ये देख सकते हो। ये मटकी मटन भी आप बोल सकते हो, मटन मटकी मांस, बहुत सारे नाम है इस रेसिपी के। तो ये आप देख सकते हो, इसका सबसे पहले ना हम इसकी पकावट देखते हैं। तो इसकी पकावट हम इसको ले लेते हैं। ये देखो मक्के की रोटी है और यहाँ पर ये देखो, ये देखो, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप देख रहे हो कि बस इस तरह से किया और ये अलग हो गया। और ये देखिए इस तरीके से नली का जो पीस है बिल्कुल टेंडर है, और इसका जो मांस है ये देखिए दबाने से ही बिल्कुल किस तरह से ये देख रहे हो, ये है, ये होती है पकावट कि हर कहीं आपको नहीं मिल सकती। और ये एक और ये चाप का पीस अभी मैंने उठाया, ये चाप का पीस देखिए इसके ऊपर रखते हैं। ये बहुत एक्चुअली बहुत गर्म है अभी, ये देखिए वाह। और ये है मक्के की रोटी, मक्के की रोटी को अपन तोड़ते हैं यहाँ पे। ये गोल क्यों है उसका अभी हमने बताया भी था आपको, ये हम अभी इसमें ले लेते हैं। और इसकी मैं कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ आपको ग्रेवी की, ये देख रहे हो आप, ये है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी, ये है फील उदयपुर का। तो एक बार खा करके देखते हैं। ये जो मक्के का आटा है ना, ये दरदरा मक्के का आटा है, ये दरदरापन बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखो, ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ब्लैकिश रूप लेकर के है, ये आता है जब हांडी में बनता है ना मटन, तब ये थोड़ा सा इस तरीके का डार्क टेक्सचर आता है इसमें। वन मोर बाइट, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये एक चाप का मटन है, और ये देखो आप, मैं बस इसको मतलब दबा करके आप है ना मटन को अलग कर सकते हो। ये पकावट है इसकी, इतनी इजीली ये अलग हो रहा है। ये देखिए पूरा जो है हड्डी बिल्कुल अलग हो गया है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, या फिर अब चाहे उदयपुर में हम लोग हैं, मैं हमेशा ऐसे जायके ढूंढता हूँ जो कि देसी हो। मतलब हमारे राजस्थान में जब तक कोई चीज़ देसी स्टाइल से ना बने ना, वो स्वाद नहीं दे सकती। चूल्हे पर बनती है ना चीज़ें, वो हर कहीं नहीं मिलती। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊँ जहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन, या मैं कहूँ राजस्थानी तरह से बनने वाली चीज़ें आपको मिलें। ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पे चूर लिया है इस मटन को, ये पूरा मैंने इस पे डाल लिया है। अब हमेशा की तरह मैं सरसों के तेल में बनी हुई ये दानेदार जो ग्रेवी होती है ना, थिक, ना तो ज़्यादा लाइट और ना ही ज़्यादा भुने मटन जैसी, बिल्कुल ये देखो इसके ऊपर डालते हैं। और इसको है ना इस तरीके से इसके ऊपर रखते हैं और इस तरह से चूर लेते हैं अपन। देखो देसी चीज़ जब देसी तरीके से बनवाओ ना, तो उसको खाओ भी देसी तरीके से, नहीं तो मज़ा नहीं आता। क्या बना, सही बोल रहा हूँ? ये देखो यार, ये है फील। अब इसके ऊपर है ना अपन थोड़ा सा ये लेमन डालते हैं, ये देखो ये प्याज के लच्छे अपन डाल दिए हैं। एक बार और मैं इसकी थोड़ी ग्रेवी लेता हूँ, और ये इसके ऊपर मैं डाल दिया है। अब लेंगे यार अपन इसका टेस्ट। भाई साहब अगर मुँह में पानी आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि अगर आप जो उदयपुर आओ तो इस जगह ज़रूर आना, कुंवर कलेवा। दिस इज़ माई बाइट। अभी जो दिन है ना उदयपुर के, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और शाम में थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जो समय होता है ना ये 4 से 6 बजे के बीच का, ये बहुत खुशनुमा होता है। तो अभी बहुत खुशनुमा सा माहौल हो रखा है। इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, जहाँ जिस जगह अभी हम बैठे हैं ये इनका गार्डन एरिया है। मैं चाहूँगा मेरा जो कैमरा पर्सन है वो आपको दिखाएगा। तो आप देख सकते हो ये गार्डन एरिया है इनका, यहाँ से एंट्री होती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बिल्डिंग्स भी, जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा दे रही है। और इस व्यू के साथ में ये वाली प्रिपरेशन चार चांद लगा देती है चीज़ों में। वन मोर बाइट। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम देसी खाना की बात कर रहे हैं तो ये एक और चीज़ है, यह है मक्के की राब। मक्के की राब आपको राजस्थान में ही खाने को मिलेगी। इसमें जो है मक्के के दाने आपको दिख रहे होंगे, सर्दियों में सर्व हो रही है थोड़ी गर्म करके, और ये हांडी में ही प्रिपेयर होती है। तो एक बार इसका, सो इट इज़ लाइक अ सूप ऑफ राजस्थान, टेस्ट करके देखते हैं। वाह है, राब बहुत ही सही टेस्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वैसे तो हम जब मक्के की रोटी और मटन के साथ में हम लोग खाते हैं चीज़ें, और उसके बाद में अगर आप ये राब पी लो ना, तो आप कोशिश करना कि आपके पास एक रूम हो, वरना आपको जो नशा आएगा ना, जो नींद आएगी, वो बहुत ही तगड़ी होगी। निकाल दिया, अभी नली फ्री हो गई है, इसका हम बोन मेरो भी निकालेंगे थोड़ी देर में।
अब ये देखिए, ये पूरा जो है मांस हमने यहाँ निकाल दिया है। अब हम एक ये लेते हैं तवा रोटी, ये है तवा रोटी, और इसको भी ना चूड़ लेते हैं इसके ऊपर। और अब ये मैं इसके ऊपर ये डाल रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं हर चीज़ इस तरह से खाता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ हमेशा हर चीज़ चूर के खाता हूँ। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं ठेठ राजस्थान का हूँ, जयपुर की पैदाइश है मेरी। और हम क्या है, जब भी गांव ढाणियों में जाते हैं या घर में कभी कभार अच्छा कुछ खाने की, देसी खाने की इच्छा होती है ना, तब उस चीज़ को, और हमारे में कहा जाता है कोई चीज़ देसी स्टाइल से बन रही है ना, उसको देसी स्टाइल से खाना, तभी आपको पूरा मज़ा मिलेगा। मतलब उसका जो टेस्ट है ना पूरी तरीके से, वो तभी मिल पाएगा। तो सी, दिस इज़ द प्रिपरेशन, आपके सामने है, आप देख सकते हो। अब इसमें मटन भी है, ये देखिए, इसमें मटन भी है, इसमें ये बाजरा भी है, और इसमें जो हमारी चपाती होती है वो भी है। अब इसको मैं पूरा इस तरीके से चूर देता हूँ, ये देखिए। इससे क्या होता है कि आधा काम तो आपका हाथ ही कर देता है, और बाकी का काम आपके दांत कर देते हैं। और उसके बाद में जब ये चीज़ें ज़बान पे आती है तो टेस्ट भी बहुत अच्छा देती हैं, और पेट में जाती है तो अच्छे से पच भी जाती हैं। ये है साहब, आप भी, मैं चाहूँगा आप कहीं भी हों, आप इस तरीके से एक बार खा करके देखें, आपको मज़ा ना आए ना। सी, हैव अ बाइट। अल्टीमेट टेस्ट। तो ये मेरा अब लास्ट बाइट रह गया है, और यह है नली का पीस। अब इसको छोड़ना ऐसे तो गलत हो जाएगा। इसको देखो, नली को इस तरीके से तोड़ा जाता है। और कुछ लोग क्या है, नली और चाप का बोलते तो हैं, नली चाप हमें दीजिए, लेकिन उनको क्या खाने का जो सही तरीका है वो नहीं आता। ये देख रहे हो, ये पूरा बोन मेरो है, ये देखो, इसको बोलते हैं बोन मेरो। जो पूरा दम होता है ना वो इसमें होता है, ये देखो, अल्टीमेट टेस्ट। तो ये जो पोर्शन हमने लिया था, इसका जो प्राइस है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका ये प्राइस है। और बात करें अगर इसकी रेटिंग की, तो इसकी रेटिंग मैं दूंगा, इस पूरी प्रिपरेशन की जो रेटिंग होनी चाहिए वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा ये होनी चाहिए, बिल्कुल इससे कम तो देना, मतलब इसके साथ में दगा करने वाली बात हो जाएगी। तो ये जो पोर्शन हमने लिया था, इसका जो प्राइस है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका ये प्राइस है। तो दोस्तों, ये थी बात रेटिंग की और इसकी प्राइस की। और अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको YouTube पे तो मिलेंगी ही, और YouTube पे आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम लोग दो जगह और भी हमारी वीडियोस को डालते हैं, एक Facebook पर और एक Instagram पर भी। Facebook पर आप हमारी सारी जो वीडियोस हैं उनको डिटेल में देख सकते हो Facebook पेज पे, विच इज़ वर्चुअल बंजारा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और इंस्टा पे हम लोग रील्स डालते हैं और अपडेट्स डालते हैं, हम किस नई जगह पर जाने वाले हैं, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो वर्चुअल बंजारा को। अब आई थिंक इसको मैं अब फिनिश करता हूँ, मैं इसको इन्जॉय करता हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ, और अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन, किसी और नए जायके के साथ, किसी नई जगह पर। टिल देन, बी हैप्पी।